हाई एवरी वन वेलकम बैक टू इस साड़ी फ्रेंड्स दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट एंड स्पेशली फॉर एम यू जे एम आई बे ऑनर्स एज वेल एज फॉर एलेवेंथ क्लास गाइज देख के लग रहा है कि अलीगढ़ मूवमेंट तो सिर्फ एम यू के लिए नहीं या ये जे एम आई के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में उर्दू पॉइट एंड पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके लिए मतलब ये आपके एम uh, यू के लिए बहुत ही एक uh, बहुत ही एक पार्ट है एंड यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो देखिए गाइस हम हिस्ट्री का जो सेवन पट लास्ट वीडियो में जब अपलोड किए थे वहाँ पे हमारा हमसे एक मिस्टेक हो गई थी कि तारेन बैटल ऑफ तारेन हुई थी इन ईयर एलेवन नाइन्टी हमने ये मिस्टेक कर दिया था तो आई एम ऑलफुल सॉरी फॉर दैट एंड आपको मतलब हमें ये वीडियो बनाने के बाद देखने को मिला तो फिर हम वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है ना हमें और इसलिए हम रेक्टिफाई भी नहीं कर पाए क्योंकि अपलोड हो चुकी थी वीडियो और इसलिए आपको टेलीग्राम पे जो वीडियो मिलेगा वीडियो का जो पीडीएफ मिलेगा तो ये आपको रेक्टिफाई किया हुआ है सही मिलेगा ठीक है so, सो देखिए हम उर्दू लैंग्वेज एंड मतलब उर्दू लैंग्वेज के पॉड्स एंड पॉड्स के बारे में हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फिर देखिए उर्दू इज़ ए वर्ड उर्दू क्या है एक तर्कीज वर्ड है जो जिसका मतलब है कैंप और आर्मी देन उर्दू ये आपको सबको पता ही है पर्शियन एंड अरबिक के जैसे है तो उर्दू उर्दू ओरिजिनेट हुई थी कहाँ से नट से बट ये कहा कि लिटरेरी लैंग्वेज हो गई थी दक्खान की तो आपको ये एक्वेशन एक भी आ सकती है कि उर्दू इज द लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ व्हिच व्हिच प्लेस तो आपका आंसर देना है दिक्कान ठीक है दिक्कान पे टिक लगानी है उर्दू हैज बीन कल्टिवेटेड एंड पेट्रनाइज इन द बिजेपुर एंड गोलकंडा गौलक, उर्दू हैज बिन कल्टिवेटेड मतलब क्या है उर्दू का ग्रोथ हुआ था कहाँ से पैटर्नाइज हुआ था इन द पैटर्नाइज मतलब इसका इसका संरक्षण हुआ था बीजापुर में एंड गोलकंडा में ठीक है बीजापुर एंड गोलकंडा में इसका संरक्षण हुआ था तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज़ आपका क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हु इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज तो आपको क्या लिखना है आमिर कुशरू इज़ द फर्स्ट पोइट ऑफ उर्दू लैंग्वेज ठीक है देखिए एंड इन्होंने क्या किया था उर्दू का फर्स्ट वर्सेस उन्होंने लिखा था एंड सेकेंडली हमारे लिए क्या पोर्टेंट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ़ दिल्ली स्कूल ऑफ़ पोइट्री दिल्ली स्कूल ऑफ़ पोइट्री के फाउंडर कौन थे आंसर इज़ हतिम आपको क्वेश्चन आएगी कि दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री का फाउंडर कौन थे आंसर आपको लिखनी है हतिम ठीक है तो देखिए फोर पिलर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज फोर पिलर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज मेरे तक है मेरे को कहा जाता है दर्द का मजहर एंड सौदा इन चारों को आ, मतलब फ़ोर पिलर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज कहा जाता है क्यों कहा जाता है इन लोगों ने करेक्ट फॉर्म में ब्यूटीफुल एंड रिच फॉर्म में उन लोगों ने इसका बड़ा अच्छा लाया था मतलब उर्दू लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट लाया था इसलिए इन चारों को फोर uh, पिलर्स कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज की ठीक है तो हमें पहले क्या मिली थी कि उर्दू लैंग्वेज का मतलब आ, वो देखान पे पहली बार उर्दू लैंग्वेज का ओरिजिनेट हुई थी है ना लेकिन देखान के बाद कहाँ पे हो गई थी सेंटर आपका हो गई थी दिल्ली पे है ना मतलब उर्दू लैंग्वेज का उर्द, आ, ये सब जो सेंटर है वहाँ पे उर्दू सिखाया जाता था तो देखान के बाद दिल्ली पर आ गया था तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि हुज प्लेस आ, कम नेक्स्ट ऑफ्टर दन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज तो आपको क्या लिखनी है आंसर पे टिक लगानी है दली आई होप काइज आपको समझ आ रही है ना ठीक uh, तो uh, एक्स्टे है तो पैटर्निक सेंटिमेंट देखिए देखिए पैटर्निक सेंटिमेंट वॉज एक्सटे एक्सटेंसिवली यूज बाई पैटर्निक सेंटिमेंट का मतलब है मतलब कोई भी uh, uh, कोई भी चीज़ों के लिए प्यार जैसे उर्दू लैंग्वेज के लिए जो प्यार है वो एक्सटेंसिवली मतलब बढ़ाया था खनखाई ने खन किन्ों ने बढ़ाया था खनखाई ने एंड इन परसेंट विच वज़ इमोलेटेड बाई जो कि इम्प्रूवमेंट लाया था और भी इम्प्रूवमेंट इमोलेटेड मतलब बलिदान जो कि उर्दू लैंग्वेज का और अच्छा सा एक वे पे मोहम्मद इकबाल ने अपने पोइट्री में डिस्कस किया था तो इसलिए आपका आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ठीक है अब हम आ, हम आपको समझा के दे रहे अगर आई होप आपको समझ भी आ रही है ना तो यहाँ और हम जो सो क्वेश्चन हम जो सो क्वेश्चन नहीं लाते हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लगता है जो जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बने बनने का चांस है वहाँ से हम बनाते हैं ठीक है तो आपको ये माइंड पे नहीं रखना है कि ये वीडियो लेंगती है लेंगती हम नहीं कर, करेंगे मतलब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ही लाएँगे ठीक है देन पी के लखनऊ आप हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि देखान हुई थी देखान के बाद दिल्ली दे, दिल्ली के बाद हुई थी कहाँ पे आ गई थी सेंटर लखनऊ ठीक है वो कि कहाँ पे है यूपी पे लखनऊ है ना उर्दू इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ये भी एक नॉर्मल आपके लिए जानने के लिए ये क्वेश्चन आप भी सकते नहीं भा सकते लेकिन उर्दू क्या है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की जो लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो तो पता ही है लेकिन जो लोगों को पता नहीं है ये जम्मू कश्मीर का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड ये गा सबको सबको पता है कि आ, आ, राइट टू लेफ़्ट उर्दू के कहाँ से उर्ददू अरबिक कहाँ से लिखते हैं जैसे अल्लाह लिख लिया तो ये कहाँ से राइट हैंड से लिखते हैं ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड पे जाके एंड होती है तो ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं वो इम्पोर्टेंट है गज़ल देखिए गज़ल के बारे में गज़ल ये क्या है एक रबिक वर्ड है जिसका मतलब है टॉक विथ वोमेन और अबाउट वोमेन मतलब गज़ल जो पोइट लोगों ने जो गज़ल गज़ल लिखा था तो उर्दू पोइट लोगों ने जो गज़ल लिखा था वहाँ पे क्या किए थे उन, उन लोगों ने टॉक विथ वमेन और अबाउट वाम वोमन के बारे में बताए हैं वो गज़ल में ठीक है इट इज़ स्टार्टेड इन पर्सियन लिटरेचर डैन इन उर्दू वो स्टार्ट हुई थी पर्सियन लिटरेचर में इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये पर्शियन में पहले देन आया था उर्दू में ठीक है पर्शियन में पहले गज़ल लिखा जाता था देन उर्दू में आया था एंड फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है गज़ल क्या है आपको पता चल गई देन है फर्स्ट सैर ऑफ़ गज़ल किन को फर्स्ट सैर ऑफ़ गज़ल कहा जाता है आंसर इज मतला मतला को कहा जाता है फर्स्ट सैर ऑफ़ गज़ल देन लास्ट सैर ऑफ़ गज़ल कहा जाता है मख्था को ठीक है देखिए इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है मसनबी तो मसनबी में क्या कहा गया है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री हुई स्टोरी इन ए सिक्वेंस एट सिक्वेंस लाइब सिक्वेंस पे आपको पोएट्री मिलेगा तो इसको कहा जाता है मसनबी एंड uh, मसनबी किताब लिखे थे uh, मौलाना रूमी ने शायद तो मसनबी की किताब uh, का मतलब है वो स्टोरी प्रोवाइड किया जाता है एक सिक्वेंस फॉर्म में ठीक है एन का सीधा ये आपका इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इन हु पोइट प्रबड़ी हु मे बी पैट्रोनाइजर और किंग देखिए ये एक फॉर्म का पोइट्री है जहाँ पे क्या कहते हैं पोइट फ्रेज करते हैं मतलब प्रेज करते हैं किसी के बारे में अच्छा खासा बोलना इसको बोलते हैं फ्रेज हाँ तो साम्बड़ी किसी के बारे में हु मैं बी हिस्स पैट्रनाइजर मतलब उसके वो उस, उससे बड़ा है जैसे पैटर्नाइजर का मतलब है मतलब मैं अगर दूसरे को आ, मेरे से कम समझती हूँ आ, मैं मैं मतलब उन दूसरों किसी से मैं अपने आप को इंटेलिज इंटेलेक्ट देन इसके इससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो इसका मतलब है और मैं मेरे मेरे में बहुत चीज़ें उससे ज़्यादा अच्छा है तो उसको बोलते हैं पैटर्नाइज तो मैं भी पैटर्नाइजर किंग मतलब उससे पैट, उसका पैटर्नाइजर किंग के बारे में में ट्रेस किया जाता है ठीक है देन मर्शिया मर्शिया ये एक फर्म है पोएट्री का जो कि शॉक एक्सप्रेस करती है शॉक एंड पेन ऑन द डेथ ऑफ सामबड़ी मतलब किसी के आ, गुजरने के लिए किसी का मरने आ, के लिए जो दुख आ, दुख जो प्रकाश करना उसको ही बोलते हैं मर, मर, मर्शिया मतलब वो सब उर्दू पो, उर्दू पोएट्री में आपको मिल जा आ, मतलब उर्दू पोइट्री फॉर्म में ये सब है तो मसनबी किसको कहा जाता है कसीदा किसको जाता है मर्शिया किसका कहा जाता है आपको समझ आ गया अब आई होप है ना देन देखिए हमने पढ़ा था कि आमिर खुशरो मतलब फर्स्ट पॉइट है उर्दू लैंग्वेज की है ना तो इनके बारे में देखते हैं यहाँ से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ही वॉज अ ग्रेट इंडो इंड पर्शियन पोइट वो एक इंडो पर्शियन पोइट थे बहुत ग्रेट थे इनका जन्म हुआ था ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी थ्री इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मतलब उत्तर प्रदेश में उनका ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं ट्वेल्व फिफ्टी थ्री को उत्तर यूपी में हुआ था एंड उसका फ़ादर का नाम है उनका फ़ादर का नाम है सैफ मोहम्मद जो कि तुर्क थे एंड वो सुल्तान तुत्मिस के टाइम पर आए थे लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं देखिए तो आमिर खुसरो स्टार्टेड हिज सर्विस वर्क आमिर खुसरो ये आपका क्वेश्चन बन सकती है कि आमिर खुसरो ने सर्विस वर्क किन के साथ स्टार्ट किया था किन लोगों के साथ वो अलाउद्दीन खसल खान एक है उनका नेफ्यू है सुल्तान बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान बलबन का नेफ्यू के साथ सिर्फ न, इसके बाद नसीरुद्दीन बुगरा खान मतलब ये तीनों के साथ अलाउद्दीन खसल खान सुल्तान बलबन नसीरुद्दीन बुगरा खान वो सबके साथ आ, ये इन्होंने अपना सर्विस स्टार्ट किया था एंड एंड इनको क्या कहा तब आमिर कुशरो को uh, गवर्नर सिलेक्ट किया गया था कहा कि uh, समाना का ठीक है एंड उन्होंने ग्यासुद्दीन तुगलक ने जब uh, रोल किया था आपको uh, हमने कहा था कि दिल्ली पे पास सुल्तानत है वहाँ वहाँ पे तुगलक एक डिनेस्टी भी मिलेगा दिल्ली सुल्तानत में एक डिनेस्टी है हैशुद्दीन तुगलक डिनेस्टी तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने जब तक रोल किया था तब तक उन्होंने एज ए गवर्नर हुआ थे ठीक है तो uh, ये सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आमिर कुशर इज़ द डिसिपल ऑफ देखिए आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकते है वो द डिसिपल ऑफ आमिर कुशरा सॉरी डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन अउलिया तो आपका आंसर लिखनी है क्या टिक लगानी है आमिर कुशरा पे तो डिसिपल मतलब क्या है डिसिप्लिन हो गया तो यहाँ पे होना था डिसिपल डी आई एस सी आई पी एल ई मतलब डिसिपल मतलब क्या है स्टूडेंट को कहा जाता है डिसिपल ठीक है तो आ, अमीर कुशरो डिसिपल थे निजामुद्दीन अलिया की एंड ये कैसे क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं देखिए आमिर कुशरो का डाइट का आ, मतलब डेड हुआ था ए, डाय वो उनका इंतकाल हो गया था नाइटीन ट्वेंटी फाइव को एंड इनको कहाँ पे दफनाया गया था दिल्ली पे निजामुद्दीन अलिया के मतलब ग्रेब के पास ही उनको दफनाया गया था ठीक है देन देखिए ये सब ये सब यह सब सब आपके लिए क्वेश्चन बनता ही बनता है देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि वर्क्स ऑफ आमिर कुशना मतलब फ़ाइव दिवान्स इन्होंने क्या था फिर आपका हो गया द का सना देन गियत ऑफ़ लिरिकल पोएम्स ये सब इनका काम था ये तीनों हो गया है हाँ देन इनके बा, इसके बाद आता है प्रोज़ वर्क ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है हु रोट फुतो तो ये कि उन्होंने लिखा था आमिर कु ये सब आपको नोट कर लेनी है साथ में और अच्छे से पढ़ के रेगुलरली पढ़ के जाना है ठीक तो है तो अफदलुल फाइद एंड अजाई खुसराई खुसरावी ये तीनों हैं उनका प्रोज़ वर्क हो गया हिस्टोरिकल पॉइंट्स एंड मतनवीस हमने पढ़ा था मतनवीस का एक इसको कहा जाता है ना तो ये देखिए मतनवीस उन्होंने लिखा था मफताफ नू सिपर एंड तुगलक नामा तो ये सब से आपको क्वेश्चन कुछ भी दे मतलब ये सब से एक भी दे सकता है उर्त तुगलकनामा तो आपको आंसर में लिखनी है आमिर कुश्रॉय से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा सो हाई आई होप कूस आपको समझ आ गई थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्लियरी क्लियरी देन फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय